मंजिलें भी जीती हैं, रास्ते भी जीती हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जीती है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। ये अपडेट है JET प्री PG PhD 2024 AU जोधपुर का जो डिटेल नोटिफिकेशन है उससे संबंधित है। जो इसकी एग्जाम डेट है वो 2 जून 2024 रविवार को है, और साथ ही साथ ये जो विस्तृत अधिसूचना है JET, इससे पहले JET 2022 और JET 2023 की जो जिम्मेदारी है वो यू जोधपुर ने ली थी, बहुत अच्छी कंडक्टर रही। उसी के साथ में इसको 24 और 25 का जो जिम्मा है वो भी AU जोधपुर को सौंपा है। ठीक है, तो AU जोधपुर की आपकी जो JET प्री PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है उसको बढ़ाया है, और जो एज क्राइटेरिया है उसमें भी संशोधन किया गया है। तो अब 2024 है और एज क्राइटेरिया को भी इसमें बढ़ाया गया है। इसकी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। शुरू से जो उनको पता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, फैकालोजी नहीं चलती है, बावाई नहीं लूटी जाती, जो चीज़ रियल होती है वही चीज़ आपको बताई जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा जो स्टेट लेवल JET प्री PG PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 की जो भी बुकलेट्स है, गाइडलाइन है, सिलेबस है और शेड्यूल ऑफ एडमिशन प्रोसेस है, ये कहाँ पर अवेलेबल है, ये आपकी JET AUJ 2024 ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और इसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और नंबर एक बात, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के संगठक एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों में राजस्थान सरकार द्वारा केवल कृषि के लिए अनुमति प्राप्त कि कृषि एवं राजस्थान की कृषि पशु विज्ञान विश्वविद्यालयों के संगठक एवं संबद्ध महाविद्यालयों के उद्यानिकी वानिकी फूड न्यूट्रिशन एंड जो भी इन कोर्सों में जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन लगता है वो JET 17, 24, 25 दोनों सालों का जो जिम्मा है वो EU जोधपुर के पास सौंपा गया है। तो भी बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा एवं उदयपुर केंद्रों पर दिनांक 2 जून 2024 रविवार को आयोजित किया जाना है। ठीक है, तो राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय में 17, 24, 25 के लिए MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MSc होम साइंस एवं कम्युनिटी साइंस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्री PG दिनांक 2 जून 2024 रविवार को बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। यदि कोई उम्मीदवार MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिग्री प्रोग्राम के लिए अपनी आवश्यक योग्यता के अनुसार परीक्षा देने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा। यानी कि आप MSc एग्रीकल्चर भी करना चाहते हैं, MSc हॉर्टिकल्चर, तो इन सभी के लिए आपको अलग अलग जो भी फॉर्म है वो भरना आएगा। ठीक है, नहीं एक ही फॉर्म से सभी में आप नहीं दे सकते, सभी के लिए अलग अलग फॉर्म आएगा। ठीक है, प्री PG प्रवेश परीक्षाओं तो उम्मीदवारों की जो योग्यता है वो क्या है, जैसे मान के चलो कोई MSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो वो क्या है कि जैसे कि उसके लिए BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 साल की जो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की जो डिग्री है वो कम्प्लीट होने के बाद उसको दे सकता है। ठीक है, नहीं चाहे बोलिए आप BSc ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो या फिर आप होटी उस प्रकार से। ठीक है, नहीं और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये आपका जो भी होगा उसमें प्री PG एग्रीकल्चर होगी। ठीक है, और MSc हॉर्टिकल्चर के लिए देना तो उसके लिए आपको अलग आवेदन होगा, केवल उसमें स्पेशल PG हॉर्टिकल्चर का पेपर आएगा। और MSc फॉरेस्ट्री में उसमें आपके जो है जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं MSc फॉरेस्ट्री के लिए वो BSc ऑनर्स, जिन्होंने BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री से किया है वो MSc फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं जी बिल्कुल, और MSc और जो भी जैसे मान के चलो जो भी MSc होम साइंस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन BSc और होम साइंस है। ठीक है, नहीं ये चीज़ है यहाँ पर स्पष्ट लिखी हुई है ये चीज़। राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय में 17, 24, 25 के लिए PhD कृषि PhD यानी कि सब्जी विज्ञान फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग, ये आपकी जो एग्ज़ाम है इसकी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, और इसकी जो फिलहाल ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 6/5/2024 है, जिसको बढ़ा दिया गया 6/5/2024 JET प्री PG PhD ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6/5/2024 है। ठीक है, और इसकी जो संबंधित जानकारी है वो www.jetauj2024.com पर रहेगी, ये इससे संबंधित यहाँ पर। और परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र, शहरों की संख्या, स्थान में कोई भी बदलाव अधिकार है तो संयुक्त JET जो कोऑर्डिनेटर है उसके पास है,
परीक्षार्थी को राजस्थान में कोई भी केंद्र आवंटित किया जा सकता है। ये नहीं है कि आपको कोई भी जो केंद्र है आपने जो एग्जाम में सेंटर बनाया वही मिलेगा, जो आपको सेंटर है वहीं से कोई भी सेंटर आपको दिया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, जैसे कि 22 में हुआ था, जिन्होंने फर्स्ट जो भी सेंटर भरे थे फर्स्ट चॉइस वो नहीं मिली थी, उसको दूसरा मिला था, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, GET प्री PG PhD 2024, इसकी कंप्लीट प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। पहले से कर रखा था ही दिल से हार्दिक हमारे हम धन्यवाद। तो इसी के साथ में देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।